व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता ही होगा कि मैं यूजुअली ऐसे टाइप के वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन सोचा क्यों ना बना ही दिया जाए। दोस्तों, जो टाइटल आप पढ़ रही है, कोई भी क्लिक बेट नहीं है, कोई भी मतलब मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूँ। ये लिटरली एक बहुत ही एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि शाओमी ने अपडेट दिया है, और सिर्फ आप ही नहीं मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। और द न्यूज़ ये है कि शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो और साथ में मी टीवी का जो 55 इंच वाला जो वेरिएंट है, उन दोनों ही यूनिट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है। हाँ दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे थे कि आप रेडमी नोट 5 प्रो लेंगे या फिर मी टीवी जो 55 इंच वाला वेरिएंट है स्मार्ट टीवी वो लेंगे, तो शायद आपको अब ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा क्योंकि शाओमी ने यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर दिया है। आज ही शाओमी ने उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम, शायद फेसबुक में भी किया होगा, मैंने चेक नहीं किया, वहाँ पर अपडेट दिया है कि वो लोग उनके प्राइजेस को, इन यूनिट्स के प्राइजेस को इंक्रीज कर रहे हैं। कितना पहले मैं आपको प्राइस इंक्रीज बता देता हूँ। तो सबसे पहले Redmi Note 5 Pro का जो 4GB RAM वेरिएंट है, 4GB 64GB इंटरनल मेमोरी वाला जो वेरिएंट है, उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ ज़्यादा होने वाली है। यानी कि पहले जो था 13,999 रुपीज़, वो अब होने वाला है 14,999 रुपीज़, यानी कि करीब 15,000 रुपीज़ आपको उसके लिए अब से देना होगा। और रही बात मी टी वी फोर या उसकी कीमत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, 5,000 रुपीज़। हाँ दोस्तों, 5,000 रुपीज़ उसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो मी टी वी जो कॉस्ट करता था 39,999 रुपीज़, एक बहुत ही अग्रेसिव प्राइस था, वो अब जाके हो चुका है 44,999 रुपीज़। तो मैं पर्सनली प्लान कर रहा था कि Redmi Note 5 Pro लूँगा, लेकिन नहीं ले पा रहा था बिकॉज टू रीज़न। सबसे पहले मिलता ही नहीं फ्लैश सेल में, और दूसरी बात बस नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल दो फ़ोन्स है, उसीलिए नहीं ले रहा था। लेकिन अब जाके शायद मैं Redmi Note 5 Pro नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पहले से भी 1,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टॉक में नहीं मिलता, दूसरा बात अब प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो रीज़न Xiaomi कुछ ऐसा दिखा रहा है कि शाओमी बोल रहा है कि क्योंकि Redmi Note 5 Pro की बहुत ही डिमांड है, इट्स कम्प्लीटली ट्रू, मार्केट में प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है, इसलिए शाओमी बोल रहा है कि वो इनफ स्टॉक नहीं दे पा रहा है। और इनफ स्टॉक नहीं दे पा रहा है इसीलिए जो PCBA होता है, सर्किट बोर्ड असेंबली, वो शाओमी इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इंडिया में। तो शाओमी क्या बोल रहा है कि शाओमी बाहर से, फॉरेन कंट्री से PCBA को इम्पोर्ट कर रहा है इसके लिए, ताकि वो इनफ स्टॉक दे सके। लेकिन इसके पीछे शाओमी दिखा रहा है कि जो PCBA उनको इम्पोर्ट करना हो रहा है, उसके ऊपर जो कस्टम चार्जेस होता है, जो आपको पता ही होगा, कस्टम चार्जेस मीनिंग जो बाहर के कंट्री से अगर आप कुछ सामान अपने इंडिया में लाते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। सब में नहीं देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट में देना पड़ता है, अलग अलग रेट्स होते हैं। तो शाओमी बोल रहा है कि जो PCBA है, उनके जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में जो पैसों की वैल्यू है, रुपीज़ वैल्यू, वो पहले से भी डिक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए शाओमी क्या कर रहा है कि इन प्राइजेस को वो इंक्रीज़ कर रहा है ताकि वो लोग इनफ स्टॉक प्रोड्यूस कर सके और ताकि लोगों को मिल सके। ओके, तो शायद इस रीज़न से वो लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोल देता हूँ, ये पहली बार नहीं है जब शाओमी प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब शाओमी ने रेडमी 5 लॉन्च किया था, बहुत ही अच्छा बजट स्मार्टफोन था, उन्होंने क्या बोला था कि 5 मिलियन यूनिट्स सोल्ड होने के बाद वो लोग प्राइस को 5,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ करके 6,000 रुपीज़ कर देंगे, और वो अब हो भी चुका है। लेकिन क्या सच में 50 लाख यूनिट बिक गए थे? मुझे नहीं लगता बिक गए थे, बट दैट्स कंपनीज मैटर। लेकिन Xiaomi पहले भी प्राइस इंक्रीज़ कर चुका है और आज फिर से Xiaomi इंक्रीज़ कर चुका है। चलो Redmi Note 5 Pro को लेके मान भी लेता हूँ 1,000 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो मी टी वी 4 है दोस्तों, उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। 5,000 रुपीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होना, यह कोई कम बात नहीं है। मैं खुद प्लान कर रहा था कि शायद मैं आने वाले दिवाली के सीज़न या फिर दुर्गा पूजा के सीज़न में एक मी टी वी खरीद लूँगा, लेकिन 5,000 रुपीज़ पहले से ज़्यादा देना होगा, ये बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो सकता है कि क्या ये लोग प्रेफर करेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, मैं पर्सनली खुद मानता हूँ कि Redmi Note 5 Pro जो है वो 15,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट फ़ोन है अभी भी। हालांकि रिसेंटली Asus ने Zenfone Max Pro लॉन्च किया, जो कि ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर देता है, लेकिन जो कैमरा कंपैरिजन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पर दोस्तों हर एक वीडियो में बोला गया कि Redmi Note 5 Pro का ही कैमरा बेटर है। लेकिन जो प्राइस डिफरेंस, वो एक बहुत ही बड़े मैटर करेगा, बिकॉज Asus Zenfone Max Pro वो कॉस्ट करेगा 12,999 और Redmi Note 5 Pro ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स प्राइस करेगा 14,999, यानी कि 2,000 रुपीज़ का अंतर। प्लस जो Asus Zenfone Max Pro है वो ओपन सेल में भी बिकेगा
और रेडमी नोट 5 प्रो हमेशा की तरह फ्लैश सेल में ही बिकेगा। तो दोस्तों आप मुझे बोलिए कि इस डिसीजन से आप खुश है या मतलब क्या लगता है आपको ये डिसीजन, क्या Xiaomi ने ये ठीक किया प्राइस इंक्रीज करके? ओके कभी कभी कॉस्ट वैल्यू सब कुछ बैलेंस करने के लिए इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन Xiaomi ये बार बार कर रहा है, लास्ट टाइम भी Xiaomi ने ऐसा ही किया था। तो दोस्तों आप मुझे बोलिए कि आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं जानता हूँ ये यूजुअली मेरा स्टाइल नहीं है तो शायद कुछ मिस्टेक्स होंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता अगले वीडियो में, एंड पीस।